मजा आएगा ना वीडियो। दोस्तों ये बर्थडे में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग होली स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपके जो भी पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐसे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने सभी पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक जो तीर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इधर ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको ऊपर ओरिजिनल लिखा वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से 9x16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपना म्यूजिक है कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने म्यूजिक रहेगा वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐड हो जाने के बाद यहाँ से म्यूजिक बीट पे क्लिक करना है। यहाँ से अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से अपने बीट कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपने जो बीट है उसके हिसाब से आपको सभी सॉन्ग में कुछ इसी तरह से कर देना है। और यहाँ से आपने एक और बीट ऐड कर लेना है। उतना करने के बाद यहाँ से यस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो उसी तरह से आपको यहाँ से कुछ इसी तरह से इफेक्ट को कर देना है। यहाँ से आपने इफेक्ट को पहला वाला आपका जो इफेक्ट है वो आपको अपने पोस्ट को अपने इफेक्ट के हिसाब से कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आपको अपना इफेक्ट रहेगा तो वो कुछ इसी तरह से आपको एक अलग तरह का इफेक्ट है ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इधर से आपको पहले वाले में कुछ इसी तरह से जटर अप का इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। और उसी तरह से इधर दूसरे वाले में भी आपको जटर अप का इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐड कर लेना है। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से यस पे क्लिक कर देना। उसी तरह से आपको यहाँ से 4 सेकंड तक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये का ये इफेक्ट करना है। यहाँ से आपको अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है जो कि देख सकते हो यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से 4 सेकंड और 35 सेकंड पे कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने इफेक्ट को अलग तरह का चेंज कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने सभी इफेक्ट को कर देता हूँ। और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका इफेक्ट रहेगा वो चेंजिंग रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने इफेक्ट रहेगा वो बिल्कुल चेंजिंग रहेगा। और उसी तरह से ऐसे आपको अपना इफेक्ट में एफएक्स में जाना है और ऐसे आपका इफेक्ट रहेगा वो साइड राइट का रहेगा तो उसी तरह से इसे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे ऐड करने के बाद ये आपका इफेक्ट है कम से कम आपको 9 सेकंड तक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ तक आपको ये इफेक्ट कर देना है। ऐसे अपना इफेक्ट रहेगा जो आपने पहले इफेक्ट किया था होगा वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा जो कि ये आपको 14 सेकंड तक ये का ये इफेक्ट जो आपने पहले रखा था जटर अप का ये आपको 14 सेकंड तक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से 14 सेकंड के बाद आपको कुछ उसी तरह से कर देना है और यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा वो चेंज कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको यहाँ 14 सेकंड तक ये का ये इफेक्ट रखना है। यहाँ से अपना इफेक्ट को वापस चेंज कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से अपना इफेक्ट रहेगा जो कि 14 सेकंड के बाद इधर से आप देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा जो साइड राइट को वापस कर देना है। उसी तरह से यहाँ से अपना इफेक्ट को जो इफेक्ट है साइड राइट का है उसी तरह से आपको कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से आपको अपने इफेक्ट को 14 सेकंड तक ये का ये इफेक्ट कर देना है। और उसी तरह से यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा जो पहले में आपने इधर से ये इफेक्ट जटर अप का किया और यहाँ से आपको साइड राइट का इफेक्ट वापस ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से 19 सेकंड तक आपको ये का ये इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं 19 सेकंड तक ये का ये इफेक्ट है वो ये ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने इफेक्ट को चेंज कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा वो अलग तरह का एक इफेक्ट रहेगा तो उसी तरह से आपको यहाँ तक कर देना है। और यहाँ से अपना इफेक्ट जो आपने पहले जटर अप का किया था होगा वो इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ये वाला इफेक्ट आपको वापस कुछ इसी तरह से आपको 24 सेकंड तक ये का ये इफेक्ट ऐड कर लेना है जो कि इस 19 सेकंड से लेकर 24 सेकंड तक ये का ये इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो ये का ये इफेक्ट ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको 24 सेकंड तक ये का ये इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ तक आपको ये का ये इफेक्ट कर देना है। और ऐसे अपना इफेक्ट रहेगा वो वापस उसी तरह से आपको साइड राइट का इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर आपने जो इधर आपने एडजस्ट रब का किया था, ये आपको कम से कम 24 सेकंड तक कर देना और यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा जो कि वापस से साइड राइट वाला इफेक्ट है वो का वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना इफेक्ट है जो साइड राइट का इफेक्ट है आपको कम से कम इधर देख सकते हो उसी तरह से यहाँ तक कर देना है जहाँ से आपका इफेक्ट बड़े ऐड ना हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको 30 सेकंड तक ये इफेक्ट ऐड कर लेना है। और उसी तरह से इधर एंडिंग वाले ऑप्शन में आपको 2 पोस्ट अलग रहेंगे तो उसमें आपको कुछ इसी तरह से आपको एंडिंग में आपको जूम आउट के इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इधर से आपको मूव लेफ्ट लिखा है वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इसमें अभी आपको जूम वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से राइट वाला है वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें आपको इफेक्ट्स में जाना है जो कि इफेक्ट वाला ऑप्शन है उसमें जाना है, यहाँ से वाइट वाला इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आज आपको इसमें भी वाइट वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है और इसे फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों यहाँ से ऊपर का एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से यस पर क्लिक कर देना है जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।